क्या ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करता है? नहीं। चलो भाई, अभी 2 साल हो गया, इस बाबा को भी पूछते पूछते और एक जगह चले जाएंगे। चलो, क्या उनके दुआओं को अल्लाह कबूल करता है? नहीं मेरी बहनों, जहां बैठे हैं वहां से, जिस जगह पर सोए हो वहां से, जिस जगह पर बैठे हो अपने अल्लाह को पुकारो। तुम्हें क्या चाहिए सुकून से बोलो। इंसान क्या करता है, अभी कल से बहुत सारे हमारी बहनें आए थे, मैं बार बार, क्योंकि मैं आपके तौहीद को बढ़ाने के लिए बात करती हूँ। आपा से मिलना है, ठीक है, कुछ छोटी मोटी कोई भी जरूरियात, कोई भी बात होती है, कोई बात नहीं, मगर मैं इंसान हूँ। मैं सुबह से शाम तक कल बहुत सारे 1000-1200 लोगों को मिली, बाद में मैं थक गई। अब मैंने कहा, जो असिस्टेंट खड़ी थी, मैंने कहा कि डोर को लॉक कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा 1 घंटा सोना है। मैं समझ रहे ही, मैं ये क्यों बता रही हूँ? अल्लाह वो नहीं है मेरी बहनों, वो थक जाए, वो सो जाए, उसे ऊंग आए। अल्लाह वो है कि तुम जहां से भी मांगो, जब भी मांगो, वो तुम्हारी दुआ को कबूल करता है। हो सकता है तुम उससे मांगने लग जाओ तो मैं डोर खोल कर तुम्हें खुद बुला लूं। वो अल्लाह की ताकत है। हम सिर्फ वो क्या बोलते हैं कि जो बेफजूल चीजें हैं, बेबुनियाद चीजें हैं, उनको पकड़ पकड़ के मांगते, उनको करते। हमारी औरतें तो परसों, हमारी एक बहन का फोन आया था, कहती कि आपा मैंने 16 सैयद का रोजा रख लिया। 16 सैयद का रोजा क्या है? इस्लाम में कहीं भी नहीं है। रोजे रमजान के होते हैं और नफिल रोजे होते हैं। मेरी बहनों, इस तरह के खुराफात, इस तरह की बिदअतें, अपना नमाज अपना रोजा किसी और के लिए करना, ये तो सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला दुनिया में भी तुमसे मुंह फेर लेंगे और आखिरत में भी मुंह फेर लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सूरह मोमिनून में कि हम उनके चेहरों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो दुनिया में अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बनाते थे और अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगते। तो मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु से मांगना सीख लो, उसका खुशी महसूस करो, नमाज पढ़ो, हाथों को उठाओ, अंधेरे में बैठो, कोई भी नहीं देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी ने तुम पर इल्जाम लगाया, कहा कि तू चोर है, अगर तुमने चोरी नहीं की है, अल्लाह तुम्हारी पाकी को जाहिर करेगा जरूर। अगर किसी ने कहा तू जिनाकार है, अगर तुमने बुरा काम नहीं किया है, तुम्हारा अल्लाह जरूर जाहिर करेगा, उससे मांगो। मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चहती बीवी पर, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर भी लोगों ने तोहमत लगा दी। मैं बहुत बार आपको वाकियात में सुना चुकी हूँ। अल्लाह ने जिनके पाकी के बारे में सूरह नूर में 18 आयतें नाजिल फरमा, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मक्का वालों ने, मदीना वालों ने, सारे लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए और मुझे कहा कि मोहम्मद की बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात किसी और के साथ थी, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। जाके सौतनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि बताओ कि आयशा कैसी है, तो सुभान अल्लाह, वो पाक बीवियां कैसे थे, कहते हैं अल्लाह के रसूल, वो इतनी छोटी उम्र की है कि आटा गूंद के थाले में रख देती है, बकरी आके खा जाती है, उसको पता नहीं चलता। हम उसके बारे में ऐसे बातें नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की आजमाइश थी, बड़ी चहती बीवी थी, अल्लाह के पास से वही नहीं आई, बहुत देर हो गया, इंतजार करते रहे। एक दिन आकर कहते हैं कि आयशा, अगर तुझसे कुछ खता हो गई है गलती में, तो तेरा अल्लाह से माफी मांग ले, तेरा रब माफ कर देगा। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कहा तो मैं ऐसा फूट फूट के रोने लगी कि मुझे लग रहा था कि अनकरीब मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि सारे लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाए, मैंने बर्दाश्त किया, मुझे कुछ भी उस बात का सदमा नहीं हुआ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहे तो मैं इतना फूट फूट कर रोई कि मेरी जान निकल रही थी। मगर सिद्दीक अकबर की बेटी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है,
अल्लाह की चहती बंदी है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जिनके सियासत्ता के अंदर 2000 से ज्यादा सही अहादीस आए हुए हैं। अल्लाह से मांगना शुरू कर ली, गिड़गिड़ाना शुरू कर लिए, अल्लाह से पूछ रहे हैं कि ऐ अल्लाह उस रात में तेरे मेरे सिवा वहां पर कोई भी नहीं था, तू जानता है कि मैं क्या हूं, मैं पाक हूं क्या मैं गलत। जब माँ बाप ने कहा कि है बेटी बता दो क्या तुमसे कुछ गलती हो गई है, तो कहने लगी सुभान अल्लाह अम्मी जान मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था उस तरह का लंबा सब्र करूंगी। सुभान अल्लाह से मांगने लग गई। सुभान अल्लाह, हदीस में आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन देखा कि सर्दी के मौसम में चेहरे पर पसीना आ रहा था, तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह से दुआ कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना आने का मकसद होता था वही का नुज़ूल, तो आकर कहने लगे कि ऐ आयशा खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे पाकी का बराज जाहिर कर दिया, अल्लाह ने तुझको पाक कह दिया, तुझको अल्लाह ने बेगुनाह कह दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की माँ कहती है बेटी जल्दी उठ जा, जाकर अपने शोहर का शुक्र अदा कर। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है नहीं, मैं मेरे उस परवरदिगार का शुक्र अदा करूंगी जो मेरे बारे में पाकी के बरात को नाज़िल किया। क़यामत के सुबह तक लोग पढ़ते रहेंगे कि अम्मा आयशा पाक। तो मेरी बहनों हमारी मजबूती इस्लाम के लिए ख्वातीन के बहुत सारे जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, मगर पहले से कुछ जमाने से लोगों ने इन बातों को छुपाए और कहते थे कुरान का तर्जुमा अगर तुमको जानना है तो 18 इल्मों की जरूरत है, अगर गलत कहानियों की किताबें पढ़ना है तो कोई इल्म की जरूरत नहीं, तुम कभी भी पढ़ सकते हो। 18 इल्म हम कब सीखेंगे कुरान मजीद को, ये बातें सब कहाँ है? मरियम अलैहिस्सलाम का वाकिया कहाँ है? कुरान मजीद में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकिया कहाँ है? कुरान मजीद में है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकिया कहाँ है? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के पूछते हैं कि ऐ मरियम बेमौसम फल कहाँ से आए हैं तेरे पास, जबकि अभी मौसम भी नहीं है इन फलों का। मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आए ही, बेहिसाब अल्लाह जिसको चाहता है रोटी अता करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके जुबान से ये बात सुनते ही अल्लाह से दुआ करते ही आए बेमौसम में फल देने वाले परवरदिगार क्या मुझ बूढ़े को तू वारिसदार नहीं बना सकता। अगर गौर करके पढ़ेंगे तर्जुमा, गौर करके कुरान के बातों में देखेंगे तो अंबिया में भी मर्दे औरतें मिलकर काम किए। अगर गौर करके देखेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिस सफ में खैरात करने के लिए सदका करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस सफ में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सफ में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहादुरी के लिए जो है खड़े हुए थे, उसी तरह हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़ी खातून भी अपने जान तक देने के लिए भी जो है तैयार हो गई और इस्लाम को नहीं छोड़ी। अगर तारीख पढ़कर देखेंगे तो दोनों का हिस्सा है, मगर हमारे ख्वातीन के एक बड़े तबके को इल्म से महरूम कर दिए और इल्म से दूर कर दिए, इल्म की से उनको दूर रखकर इन्होंने यह सोचा कि माशरा सुधर जाएगा, कैसे सुधरेगा जब तक के औरत के अंदर जिहालत नहीं जाती, वो कैसे अपने बच्चियों को जिहालत से दूर रखेगी, वो कैसे अपने भाई को जिहालत से दूर रखेगी, वो कैसे अपने शोहर को जिहालत से बचाएगी। हाँ जरूरी तो ये है कि मर्द हाकिम होते हैं उनके ऊपर ये सारे जिम्मेदारियां होते हैं, मगर उन एक अकेलों से ये काम जब तक के हम साथ नहीं देंगे होने वाला नहीं है। अगर औरत पलट जाए तो घर में कुछ भी नहीं बन सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर औरत भी अल्लाह वाली तकवे वाली अल्लाह को याद करने वाली दीन वाली बन जाए तो सुभान अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत बन जाती है। मेरी बहनों मेरे हिसाब से आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही वक्त ले लिया है और हम माफ़ी चाहते हैं कि बहुत गर्मी में जो है आपने बैठा है। मैं तालिबात से यही गुजारिश करूँगी, मैं एक मिसाल पेश करूँगी, जैसे कोई फैक्ट्री से एक मोबाइल निकालता है, नोकिया का मोबाइल निकालता है, तो नोकिया का जो
मोबाइल बनाने वाला इंजीनियर है, उसको पता होता है कि ये मोबाइल में क्या क्या एरर आएंगे, कब क्या होगा, कब किस तरह से करेंगे। मगर उसी तरह से मैं एक मिसाल बयान कर सकती हूँ मेरे तालिबात के लिए। मुझे फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह की जात से, हो सकता है जिंदगियों में इनसे कभी ना कभी कोई छोटे मोटे गुनेह हो जाए, क्योंकि ये फरिश्ते नहीं है। मगर ये कभी शिर्क नहीं कर सकते, ये कभी शिर्क नहीं कर सकते इंशाल्लाह, क्योंकि इनको बचपन से पीस कर घोल कर पिलाया है कि अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अगर इनके गले भी कोई काट देंगे, जब भी ये जो है अल्लाह के सिवा किसी और की बात नहीं कर सकते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अलावा किसी काम पर नहीं जा सकते। मैं मेरे तालिबात से गुजारिश करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हर हमेशा तवक्कल अल्लाह की जात पर रखेंगे और यकीन अल्लाह की जात पर रखेंगे, तो जरूर मेरे तालिबात, ये दुनिया क्या है वो आखिरत में भी, जैसे अल्लाह कहते हैं तुम थकियों पर बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे, मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे, आज ये पसीने में बैठने वाले कल क़ियामत के दिन बैठ कर सरो सब्ज हरे भरे तरो ताज़े अल्लाह के सामने बैठ कर अल्लाह के निशानियों को देख कर मुस्कुराते हुए होंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ, आपके पसीने का एक एक खतरा, आप लोगों के सफर का एक एक खतरा, और हमारे जितने भी शेख उलमा इकराम यहाँ आकर हम जैसे कमजोरों के लिए उन्होंने बड़े बड़े तारीफ के अल्फाज कहे, जब शर्मिंदगी से मेरा सर झुक रहा था, क्योंकि उनके खिदमात के आगे, उनके अल्लाह के कामों के आगे ये हमारे टूटे फूटे काम कुछ भी माने नहीं रखते। उन्होंने गहराइयों से अल्लाह के दीन का काम किया है, उन सब की भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन भाइयों की बहनों की जो धूप में बैठकर गेट तक स्क्रीन के ऊपर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि सही से इंतज़ाम नहीं कर सकी, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे दे कि हम इससे बेहतर इंतज़ाम, इससे अच्छा से अच्छा इंतज़ाम इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और उलमा इकराम, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह हमसे आखिरी सांस तक उसका काम ले ले, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें आखिरत के दिन जन्नत में ऐसे ही बिठाए। आप सब आमीन कहें, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए, हम सबसे खुश हो जाए, हम एक दूसरे से कल क़ियामत के दिन पूछने लग जाएंगे, देखो उस दिन का बदला कैसे मिला है, सुभान अल्लाह। यकीन है हमें एक एक दिन का बदला, राई के दाने के नेकी का बदला, राई के दाने की बुराई को हमारा रब हमें जाया नहीं करेगा। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बस इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त है कि तालिबात के असनाद इंशाअल्लाह तकसीम हो जाएं। अल्लाह।